लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लोकसभा की सीट्स जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट्स हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और जांजगीर चांपा बिलासपुर से लेकर रायपुर तक उन्होंने बैठकें ली हैं। ये कोशिश है कांग्रेस की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें छत्तीसगढ़ में जीतना है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है सचिन पायलट के दौरे पर। उन्होंने ये कहा है कि जो खुद उड़ान नहीं भर पाए वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को उड़ान भराने के लिए आए हैं। जो खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो लोकसभा चुनाव लड़वाने यहाँ आ रहे हैं। और सचिन पायलट को नसीहत दी है उन्होंने कि वो राजस्थान में ही रहें, छत्तीसगढ़ आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव तैयार लड़ने के लिए तैयार नहीं है वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहाँ पर बेकार जाएगी। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी उन्हें नसीहत दी है और ये कहा है कि वो खुद उड़ान भर चुके हैं छत्तीसगढ़ से केंद्र की ओर और कहीं ना कहीं बीजेपी में निशाना बनाए जा रहे हैं, तो वो अपनी चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की ज़रूरत उन्हें नहीं है। तो जिस तरह के बयान इस समय चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर, उससे ये अंदाज़ा साफ है कि दोनों ही पार्टियाँ अधिकतम सीटें जीतना चाहती हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने आलाकमान को खुश करना चाहती हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो बयार है वो बहुत गर्म है और लोकसभा चुनाव की जद्दोजहद उसमें साफ नज़र आ रही है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। झारखंड में इंडी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि सीटों के मामले में सहमति बन गई है। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी और माले को एक एक सीट जाना तय हुआ है। चतरा में तो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। जो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य में कैबिनेट श्रम एवं उद्योग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने चतरा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गिरिडीह पर मथुरा महतो जो हैं वो चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और कल ही उन्होंने अपने समर्थकों के सामने ये कह दिया कि वो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा महतो जो है वो बहुत कद्दावर और काफ़ी पुराने नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के माने जाते हैं। इसके साथ ही माले को कोडरमा की सीट दी जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो अब धीरे धीरे ज़मीन पर आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान 1-2 दिनों में ही हो पाएगा, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो अब इंडी गठबंधन के दलों ने भी अपनी तैयारी जो है चुनावी तैयारी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र शुरू कर दी है। चतरा इसलिए भी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि चतरा से अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। धनबाद से भी बीजेपी ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन दोनों जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी चुनाव लड़ेगी इतना तय हो चुका है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। आरजेडी की ओर से लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी संभावित सूची आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। इस सूची में मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम सामने आया है, जिसमें पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य की लड़ने की पूरी संभावना है। इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि आरजेडी A to Z की पार्टी है और इसका मतलब परिवार होता है। बीजेपी नेताओं का आरोप ये भी है कि लालू प्रसाद यादव परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं और यदि परिवार से बाहर निकले तो किसी अपराधी को टिकट देंगे। बीजेपी के इस आरोप के बाद आरजेडी नेताओं ने भी जवाब दिया है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि सारण और पाटलिपुत्र की सीट लालू प्रसाद यादव की निजी सीट है और यहाँ से वो जिसे चाहें चुनाव लड़ा सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दक्षिण गुजरात की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल इसके पीछे वजह है छोटू वसावा। छोटू वसावा झगड़िया सीट से पिछले 35 सालों से विधायक चुने जाते रहे हैं और आदिवासियों के रॉबिन हुड माने जाते हैं और उन्होंने भारत आदिवासी संगठन नामक राजनीतिक दल की घोषणा कर दी है और उनके उम्मीदवार उतारने की भी बात की है। और ऐसे में जब भरूच सीट पर दो वसावाओं का मुकाबला है, आम आदमी पार्टी की तरफ से चैतर वसावा चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मनसुख वसावा को चुनावी मैदान में उतारा है और तीसरी ताल रॉबिन हुड माने जाने वाले छोटू वसावा ने ठोकी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है। आने वाले समय में कई आदिवासी इलाकों में छोटू वसावा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि उतारने की बात कर रहे हैं और ऐसे में गुजरात की राजनीति में छोटू वसावा के चुनावी मैदान में उतरने से एक बार फिर से खलबली मच गई है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार है वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि भाजपा ने मनसे के प्रवासियों के खिलाफ अपने रुख पर लगाम लगाने को कहा है, जिसे आमतौर पर मनसे के स्थानीय नेता आक्रामक तरीके से उठाते हैं। राज दो सीटों पर जोर दे रहे हैं लेकिन एक सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ मुंबई के ताज लैंड होटल में सीटों के बंटवारा को लेकर के बंद कमरे में बैठकें भी की और इस बैठक में राज ठाकरे की पार्टी MNS कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर चर्चा भी हुई। जानकारी के अनुसार राज ठाकरे ने दो सीटों की मांग की है। अब देखना होगा कि BJP शिवसेना आखिर कौन सी अपनी सीट राज ठाकरे को देता है। सीट बंटवारे की खींचतान के बीच अमरावती सीट को लेकर शिंदे सेना को झटका लगा है। अमरावती से मौजूदा समय में नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि अमरावती सीट से BJP की उम्मीदवार उतारेगी और नवनीत राणा के प्रत्याशी होने के संकेत दिए गए हैं, जबकि यहीं शिंदे के गद्दावर नेता आनंद राव अड़सुल ने अपना दावा ठोक रखा है। तो देखना होगा कि क्या कोई निर्णय निकलता है कि पेंच अभी भी महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा ही रहता है। कहा ऐसा जा रहा है कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है और उस सियासी घमासान में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाते दिख रही है। 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी सभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। अभी तक कांग्रेस ने केवल 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। जो पहले चरण के चुनाव होने हैं 6 संसदीय सीटों में, उन 6 संसदीय सीटों में से भी कांग्रेस ने अभी 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 उम्मीदवार जो घोषित हो चुके हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी करना शुरू कर दिया है और चुनाव प्रचार में भी बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार उन क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, यानी कि चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारते हुए दिख रही है और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और ऐसे में ये देखना होगा कि जब चुनावी घमासान धीरे धीरे जब चुनाव मतदान तारीखों तक पहुँचेगा तब कांग्रेस का क्या स्थिति रहती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले बिहार में हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर RJD ने सवाल खड़ा किया है। RJD ने आरोप लगाया है कि चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तबादले किए गए हैं। RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि इस बार DSP के तबादले में जाति पूछी गई है और इसकी शिकायत लेकर कई अधिकारी RJD दफ्तर पहुँचे हैं। वहीं इन आरोपों को सत्ताधारी दल JDU और BJP ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में के हताशा से महागठबंधन के नेता ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ माधुरी।
यूपी में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा और अपना दल के का गठबंधन टूट गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के साथ गठबंधन था, न कि 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल का बयान सामने आया। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा, जो अखिलेश यादव ने कहा उस बयान का हम स्वागत करते हैं और उनको मेरी शुभकामनाएं। सपा और अपना दल के बीच रिश्तों की खटास राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें कि जया बच्चन और आरलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद से इन दोनों के रिश्तों के बीच खटास शुरू हो गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। 13 मई को लखीमपुर खीरी में मतदान होना है और मतदान से पूर्व में ही सभी लोकसभा प्रत्याशी जो हैं जनता से संपर्क में लग गए हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्रा टेनी पर भरोसा जताया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के चेहरे उत्कर्ष वर्मा, जो कि पूर्व में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और लखीमपुर खीरी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन पर भरोसा जताते हुए टिकट सौंपा है और वो लोकसभा में उतरे हैं। लोकसभा 28 लोकसभा खीरी की अगर बात करें, तो इस लोकसभा में जो है सबसे बाहुल्य वोट कुर्मी समाज का माना जाता है। ऐसे में एक तरफ ब्राह्मण चेहरा और दूसरी ओर कुर्मी चेहरा कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को काट सकते हैं। वहीं 28 लोकसभा खीरी की अगर बात करें, तो 28 लोकसभा खीरी में कौन संसद की कुर्सी पर बैठता है, ये तो चुनाव के बाद का परिणाम बताएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता, लखीमपुर खीरी। रहे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पहले चरण के 4 लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को सिंबल देकर अपने सहयोगी दलों को परेशान कर दिया है। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद को लगती है, तो वो मुलाकात करने के लिए राबड़ी आवास लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं। उनसे मुलाकात कर जब वो बाहर निकलते हैं, मीडिया उनसे सवाल करती है, उस मीडिया के सवाल से बचते हुए तो चले जाते हैं, लेकिन इस मुलाकात का कोई असर लालू प्रसाद यादव या आरजेडी पर नहीं पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार आज लालू प्रसाद यादव ने अपने अन्य 5 प्रत्याशियों को सिंबल दिया है। इसके साथ ही घटक दल के जो अन्य दल हैं, उन्होंने भी आज जो है प्रेस वार्ता की है। सीपीआई ने आज एक प्रेस वार्ता कर अपने बेगूसराय लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल सिंह ने विरोध जताते हुए लालू प्रसाद यादव को कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए जो है अनौपचारिक तरीके से अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर अपने प्रत्याशी को सिंबल बांट कर अन्य पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये गठबंधन ऐसा है जो 2019 में भी था, तो सिचुएशन वही है जो 2019 में थी। तो उस समय हम लोगों को 9 सीटें मिली थी, इस वक्त इस साल भी कोई वजह नहीं है कि 9 सीटों से कम मिले हम लोगों को। अगर इसे कम मिलने की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो समझौते की बात चल रही थी वो पूरी होनी चाहिए। हम लोगों को एक समझौता करना चाहिए और किस आधार पर सीट की कटौती होगी या नहीं होगी वो तय होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर घोषणा हो रही है राजद की तरफ से, तो वो जो हमारे अलायंस का धर्म है उसका उल्लंघन है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहता है या नहीं। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार नामांकन पत्रों की खरीदारी हो रही है, जिससे माना जा रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव खासा रोचक रहने वाला है। 5 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट टिहरी मानी जा रही है, जहां पर अब तक 7 लोगों के द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने सीधे तौर पर बताया कि नामांकन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर नामांकन पत्र खरीदने भी आ रहे हैं। 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, अंचल ग्वालियर का अच्छा खासा दबदबा रहा है। चाहे राजनीति की बात करें तो भोपाल की बात करें या दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल का अपना हस्तक्षेप बना रहा है। चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो यहां से लगातार 2-2 मंत्री रहे हैं। ऐसे में हस्तक्षेप होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनमें से 4 सीटें जो ग्वालियर चंबल अंचल की हैं, उन पर अपनी जीत बरकरार रखी जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी चयन नहीं है, यानी कि प्रत्याशी नहीं है, जिसकी बड़ी वजह से वह अब तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि CWC के माध्यम से हमारी बैठकें जारी हैं और जो चयन प्रक्रिया है उसके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा बैठक कर उनका चयन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा हमला BJP पर बोला गया है और कहा गया कि उनके यहाँ नेताओं की कमी पड़ी हुई है, यही बड़ी वजह है कि वह कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में सदस्यता दिला रहे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी कब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। अक्सर बुजुर्गों की ये शिकायत रहती है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है और वो वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। और यही कहना है 97 वर्षीय लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का कि अगर इस बार वोटर लिस्ट में उनका नाम हुआ तो वो ज़रूर मतदान करेंगे। हम पहले खुलजाबाद में थे, वहाँ वोट देने जाते थे, फिर नया घर बनवा लिया मैंदौरी में, तो यहाँ पे 2000 में आ गए। तो यहाँ पे पतंजलि स्कूल में सेंटर था, वहाँ पे जाते थे। और शुरू में कई साल पहले की बात है तो 2-3 बार वोट देने गए, उसके बाद हम लोगों का नाम कट गया, हालांकि इसी घर में थे। और उसके बाद अगला जब वोट आया तो उनका नाम नहीं है तो नाम लिखवा लीजिए, तो फॉर्म भरो, उसके बाद फिर अपना नाम उस पर चढ़वाओ। एक दफे किया भी, उसके बाद फिर अगला जब कुछ साल बीत गए, अगला जब चुनाव आया तो देखा फिर नाम नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की एक नई पहल है जिसमें 80 वर्ष के ऊपर जो भी मतदाता हैं वो घर बैठे वोट डाल सके, ऐसी सुविधा भी दी जा सकती है। अपने सहयोगी राजकुमार और वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ मैं आनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। दो हजार 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और देश की सबसे VVIP सीट एक बार फिर वाराणसी बनी है, क्योंकि वाराणसी से तीसरी बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बनाया है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी यहां के प्रत्याशी बने और काशी की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर 2019 में दोबारा BJP ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और एक बार फिर काशी की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया। और जब महागठबंधन हुआ था, बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और ये कहा जा रहा था कि माहौल काफ़ी टाइट है, उस दौरान भी 4 लाख से ज़्यादा मतों से नरेंद्र मोदी जीत हासिल किए और फिर देश का प्रधानमंत्री बने। अब तीसरी बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी वाराणसी से बनाया है। ऐसे में इस बार का जो विपक्ष का गठबंधन है वो सपा और कांग्रेस का है। सपा और कांग्रेस इस बार इस मंथन में जुटी हुई है कि गठबंधन का प्रत्याशी बनारस से किसको बनाया जाए, क्योंकि गठबंधन में बनारस की सीट कांग्रेस को गई है और ऐसे में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं और कई नाम
सामने भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है। पवन खेड़ा और अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी के नामों की भी चर्चाएं तेज थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब पवन खेड़ा या फिर अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा आती है और तकरीबन 20 लाख मतदाता इस बार अपना सांसद चुनेंगे, और इन 20 लाख मतदाताओं में अगर सबसे ज़्यादा वोटर हैं तो वो ओबीसी वोटर हैं। ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और खासकर कुर्मी वर्ग की, उसके बाद ब्राह्मण, भूमिहार और छत्री का वोट आता है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जातिगत आंकड़ों को साधने के लिए पीएम मोदी या फिर भाजपा ने पहले ही समीकरण सेट कर लिया था। 2004 में कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा कुछ ही समय पहले भाजपा का दामन थाम चुके हैं और भाजपा में बकायदे उन्हें सम्मिलित कराया गया है। वहीं 2019 में जो सपा की सबसे कद्दावर कैंडिडेट थी शालिनी यादव, उन्हें भी भाजपा की सदस्यता दिलाई जा चुकी है और वो भाजपा के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसे में विपक्ष इस बात पर लगातार मंथन कर रहा है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी कौन होगा। चेहरों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक चेहरा डिसाइड नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपना जो मोह है वो कभी बनारस से भंग नहीं किया और लगातार वो काशी दौरे पर आते रहे, काशी को कई बड़ी सौगातें दी, चाहे वो वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर रोपवे हो या फिर अत्याधुनिक चीज़ों से लैस, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और एक VVIP घाट काशी का नमो घाट हो, इन सभी को पीएम मोदी ने बनाया। इसके साथ साथ कई ऐसी सौगातें दी जिसको देखकर काशीवासी कहते हैं कि हम अपना सांसद उसी को चुनेंगे जो देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।